Chris here. I would also like to inform everybody that we are moving abreast with the latest development across the globe. हम हमारे बच्चों को आज के दौर की 21st सेंचुरी की जो इम्पोर्टेंट ज़रूरत है उसको भी हम फुलफिल कर रहे हैं और हमारा इंस्टीट्यूशन को हम जो है एक टोटली आईटी इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास ग्रेड फिफ्थ तक का बच्चा, नर्सरी से लेकर ग्रेड फिफ्थ तक बच्चा जो है आईपैड यूज़ करे और ग्रेड सिक्स से लेकर के ग्रेड ट्वेल्थ तक बच्चा जो है वो क्रोमबुक यूज़ करे। और इसके लिए हमने एप्पल और गूगल से हमने रब्ता कायम किया, इवन टू द एक्सटेंट दैट एप्पल और गूगल की टीम आकर के हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को ट्रेनिंग दे के गई। अब हम इस प्रोसेस में हम इस लेवल पे जाने वाले हैं कि फ्लिप लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन। एक बात ये आपको इस मौके से बतानी थी। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी प्लान किया है कि 2026 हमारा टारगेट टाइम है, हम इंटरनेशनल बैकलोरेट स्विट्जरलैंड से हमारा एफिलिएशन कराने जा रहे हैं। इस प्रोसेस को भी हमने किक स्टार्ट किया है, ऑलरेडी हमारे पास आईबी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया इंटरनेशनल बैकलोरेट का। तो ये दोनों चीज़ें इस गर्ज को एड्रेस करती हैं कि हमको 21st सेंचुरी के साथ चलना है। दुनिया इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ एंड वी हैव टू मूव अलॉन्ग विद द वर्ल्ड। तो इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए हमने ये दो चीज़ें हमारे पास इंस्टीट्यूशन में एस्टैब्लिश की होते हैं। और बहुत से आप सोचते हैं कि भाई मैं झारखंड से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा बच्चा जाएगा पता नहीं क्या खाएगा, ये तो रोज अंडे खाता था, दूध पीता था। मेरा सवाल ये है कि क्या क्या खिलाया पिलाया जाता है ताकि बच्चे की सेहत कायम रहे, वालदैन को इत्मीनान हो जाए। जी जी, देखिए ये बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं ये मेरिटोरियस बच्चे हैं और इन्हें और बहुत मेहनत करना है, तो डेफिनेटली वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द न्यूट्रिशन फैक्टर ऑफ द चिल्ड्रन। हम उनको वो न्यूट्रिशियस फूड खिलाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। बच्चों को जो हम खाना खिलाते हैं उसमें हमने जो उनके रेगुलर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसके अलावा भी बच्चों को हम जो है वो दूध, अंडा, बच्चों को जो है वो ओट्स, बच्चों को जो है कॉर्नफ्लेक्स, बच्चों को जो है फ्रूट्स, बच्चों को स्नैक्स, ये उनके रेगुलर डेली शेड्यूल के अंदर चीज़ें हैं। खासतौर से हम फ्रूट्स भी बच्चों को देते हैं ताकि उनको विटामिन का एक अच्छा डोज मिलता रहे डेली बेसिस पर। इसके अलावा हमने बच्चों के जो एस्पेक्ट है, बच्चे घर से दूर आकर के रह रहे हैं, तो हमने एक सिस्टम हमारे पास डॉर्म पेरेंट्स का बनाया है। हमारे पास एक फैमिली हस्बैंड वाइफ की शक्ल में जो है हर फ्लोर में बच्चों के साथ में रहती है, जिसमें जो हस्बैंड होते हैं वो बाप का रोल अदा कर सके, जो मैडम होती है वो मदर का रोल अदा कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है, 10 साल का बच्चा होता है, उसको ज़रूरत पड़ती है कई मरतबा, तो इस एस्पेक्ट को कवर करने के लिए, उनके इमोशनल नीड्स को कवर करने के लिए हमने एक फैमिली को वहाँ पे रेजिडेंट बनाया है। सर, आज आपने पत्रकार परिषद ली है, सब पत्रकार आए हैं, ये बताइए कि आपने क्यों बुलाया है और आपके अखराज मकासद क्या है और आपका तारुफ पेश कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है और मैं पर्ल्स एकेडमी का स्कूल डेवलपमेंट हेड हूँ और मेरे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल अहमद खान साहब हैं जो मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एक्स प्रिंसिपल हैं। सर हमारे मेंटोर भी हैं और हमारे एकेडमिक डायरेक्टर भी हैं स्कूल के। एक्चुअली पर्ल्स एकेडमी जो है ये एक K-12 CBSE स्कूल है और लास्ट ईयर से हमने इसको एक रेजिडेंशियल सेटअप स्टार्ट किया है। इसमें ये स्कूल जो है एक ट्रस्ट चलाता है, जुलेखा मोतीवाला सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अंदर में अभी इस वक्त दो स्कूल्स हैं, एक जो है सिटी के अंदर हमारा फीडर स्कूल है और सिटी से बाहर हमारा मेन कैंपस जो है 35 एकर्स का कैंपस है। हमने ये इंस्टीट्यूशन जो डेवलप किया है ये स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ में एजुकेशन की जो बेस्ट इस वक्त के जो ट्रेंड्स हैं 21st सेंचुरी के उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे पास, और साथ ही में बच्चों के कोस्कोलास्टिक एरियाज़ को भी डेवलप करते हैं जिसमें स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और डिफरेंट एरियाज़ कवर किए जाते हैं। इस वक्त ये जो इंस्टीट्यूशन है पर्ल्स एकेडमी, एम्स किड्स एंड पर्ल्स एकेडमी, ये इंस्टीट्यूशन हमने जो है एक एस्टैब्लिश किया है हमारी कम्युनिटी के वो टैलेंटेड बच्चों के लिए जो
अच्छी एजुकेशन के लिए दीगर जगह पर जाने की जिनको जरूरत महसूस होती है। और लास्ट ईयर से हमने एक और एक स्टेप आगे बढ़े हैं और एक पर्ल्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हमने स्टार्ट किया है ऑल ओवर इंडिया। पर्ल्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक स्कॉलरशिप हमारे ट्रस्ट ने डिक्लेयर की है, उस स्कॉलरशिप के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस साल 18 स्टेट्स में ये स्कॉलरशिप एग्जाम हो रहा है, 75 डिफरेंट सिटीज में हमारा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो रहा है। बेसिकली ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हमारे कम्युनिटी के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट करने का एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इस बेसिकली इस नियत के साथ में जो है ये पूरा स्टेप उठाया गया है। ये चंद चीजें थी जो इस मौके से हम आपसे कहना चाहते थे। अब सर ये तमाम फंसे पंसर में एक सवाल ये है, पहला सवाल उन्हीं तमाम वालदैन के लिए है, बच्चों के लिए है और जो लोग इस सिंथ में आना चाहते हैं उनके लिए, वो सवाल ये है PTSC क्या है, इसकी वजाहत फरमा दें। जी जी, ये PTSC जो है एक्रोनिम है पर्ल्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये हम नेशनल लेवल पे एक बच्चों की टैलेंटेड मेरिटोरियस बच्चों को हम जो है स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनको एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमने हमारे पास जो सिस्टम बनाया है स्कूल में, हम ग्रेड 6 से बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। बच्चे जो है इस अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फील्ड के लिए तैयारी जो है ग्रेड 6 से स्टार्ट करते हैं, तो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। और जैसे जैसे बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम उनको प्रोफेशनल कोचिंग भी देते हैं, बच्चों को जो है बेहतर से बेहतर हम जो है तैयारी करा सके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सर आपने ऐसा क्यों जरूरत महसूस की आपके इदारे ने, आपके जिम्मेदारों ने, कि इस स्कॉलरशिप एग्जाम को लेना चाहिए, इसकी वजूहत क्या है? बेसिकली हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत जहीन बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मौके फराम नहीं कर हो पाते हैं कि वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई कर सकें, बेहतर पढ़ाई कर सकें। तो वो अब कई मरतबा ऐसा होता है कि वो अपने करियर में जो है वो ये रोड ब्लॉक्स की वजह से अपने करियर में जो है परेशान रहते हैं, कोई सूटेबल उनको राह नहीं निकलती है। तो इसके लिए एक बेहतर तरीका ये था कि अगर हम टैलेंट एक सर्च एग्जामिनेशन करा करके उन बच्चों को हम हमारे पास ला करके हम तैयार करें, तो ये एक उनके लिए हम इस उनके इस प्रॉब्लम का एक सलूशन हो सकता है। सर हम देखते हैं कि रियासती सतह पर और मुल्क सतह पर कई तंजीमें भी इस तरह से काम कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि आप किस इकदाम से एक मुस्लिम समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, बच्चे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा, लगता है सर आप? मैं समझता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे हैं और भी लोग कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हमें भी उस कोशिश का एक हिस्सा बनना चाहिए। और चूंकि ये तो ऐसी एक ऐसा फील्ड है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस भी आएँ और बेहतर चीज़ है। हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा फोकस्ड होकर के चल रहे हैं इसमें, उम्मीद है कि हम शायद हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह। सर जैसा आपने कहा है कि मुस्लिम समाज के बच्चे, और क्या मुमकिन है कि इसमें हमारे जो अक्सर हमारे बरादरान के जो भाई होते हैं गैर मुस्लिम भाई, उनके बच्चे भी कहने के टैलेंटेड होते हैं, क्या उन्हें भी मौके फराम करेगा आपका इदारा? अगर वो यहाँ पर आकर के हमारे पास पढ़ना चाहें तो हम बिल्कुल फराम करेंगे। सर इसके अलावा यानी आप मेरे पूछा सवाल ये है, एक जैसा आपने कहा 17 रियासतों में और भी आप फैलना चाह रहे हैं, तो इसका एक और अजायम क्या है इसके अलावा? ये तो खैर एजुकेशन ऐसा लगता है कि आप एजुकेशन तरफ माइल हो रहे हैं, लेकिन इसके अकराज मखाज़ निचोड़ अजायम क्या है? हम ये चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी का जो टैलेंटेड बच्चा है वो उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम दे सके कि वो उसको एज अ स्प्रिंग बोर्ड यूज करके जो है अपने करियर में आगे बढ़ सके। बेसिकली हमारा जो है ऑब्जेक्टिव ये है। अभी हम 18 स्टेट्स में हम ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंशन प्लान नहीं है जी, हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है वो बच्चों को यहाँ आके हमारे पास एग्जाम देना मुश्किल काम, तो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू रीच आउट टू देम। तो हमने ये किया है कि हम उन तक पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखिए, लास्ट ईयर हमारे पास साहिबगंज झारखंड से एक बच्चा आया। अब अगर वो बच्चे तक हम पहुँच पाए, वो बच्चा यहाँ आया, बहुत सारे बच्चे हैं सोसाइटी के अंदर जिन तक हम पहुँच ही नहीं पाते, उनके लिए हर बच्चे को अब 6,000 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं या 8,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनके सबके लिए यहाँ औरंगाबाद आना एक बड़ा काम है। तो हम उन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। सर इसमें जैसा आपने कहा है
तो इसमें एक मुकम्मल तौर से इमदादी मुहिम है या कुछ जिसमें कुछ आमतौर से होता है कि फीस कुछ ली जाती है कुछ फीस कुछ टक्के, मैं खुल के पूछ रहा हूँ ताकि बहुत अच्छा सवाल आपका है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा जो स्कॉलरशिप का प्लान है इसमें ग्रेड फिफ्थ से लेकर के ग्रेड टेंथ तक हम बच्चों की ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी लेंगे और ग्रेड इलेवेंथ और ट्वेल्थ की हम मुकम्मल जिम्मेदारी लेंगे, उनकी लॉजिंग, उनकी बोर्डिंग, उनके यूनिफॉर्म, सारी जिम्मेदारी हम लेंगे। सर उसमें ये बताइए आप कौन कौन से स्कूल के तलबा बराह रास्त, क्योंकि आमतौर से क्या होता है कि एक देखने में आता है कि हाँ सोसाइटी की कहीं ना कहीं एक अनापरस्ती होती है कि भाई आप फला सोसाइटी वाले कर रहे हैं हम उनमें क्यों जुड़े हैं, बहुत सी बातें होती हैं, गलत फहमी पाई जाती है। तो मुकम्मल बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कौन कौन से सोसाइटी वाले या स्कूल वाले आपसे मुकम्मल तौर से जुड़ सकते हैं बराह रास्त। सर जनाब इसमें तो ऐसा है ये हमारी कोशिश है कि टैलेंट को सर्च करना यानी एक्सप्लोर करना ढूंढना, उसमें तो हर स्कूल में बच्चे टैलेंटेड रहते हैं कम और ज्यादा, तो हम कोशिश ये करेंगे कि तमाम ही स्कूलों से हम जुड़े हुए हैं और तमाम ही स्कूलों के बच्चों को ये मौके फराहम कर रहे हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म ओपन है, बच्चे यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर करने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम में अगर वो हमारे मैार में उतरे हो अगर आ गए हैं तो हम उनको स्कॉलरशिप फराहम करेंगे। स्कॉलरशिप की भी जो किस्में हैं 100% स्कॉलरशिप है, 75% है, 50% है और लास्ट में 25% का भी हम सोच रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पास कुछ फिक्स कोटा है कि हम नीट के और JEE के ये हम 45 45 45 स्टूडेंट इस तरह रख रहे हैं, तकरीबन 90 स्टूडेंट नीट के रहेंगे और 90 स्टूडेंट IIT के रहेगी जिनको स्कॉलरशिप अवेल होगी, जिनको जो स्कॉलरशिप अवेल कर सकेंगे। बाकी अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको फीस के साथ उनको भी हम मौके प्रोवाइड करेंगे, उनको पूरी फीस के साथ उनको बेहतरीन सलाहियत वाले बच्चे हमारे पास हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश है, अल्लाह इसे कबूल करे, हमारी सोसाइटी जो है हमारा ट्रस्ट जो है इस तरफ रागिब हुआ कि हमने इस फील्ड में मेहनत करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को मौके मिले और वो कॉम्पिटेंट बने। पूरी कोशिश कॉम्पिटेंट की है हमारी, हम इसमें कॉमर्स स्ट्रीम भी रख रहे हैं, आगे आर्ट्स स्ट्रीम भी रखने वाले हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना हमारा मकसद है। सर हमारे समाज में आप देखते हैं कि स्कूल कई जबानों के हैं, जैसा उर्दू मीडियम है, मराठी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, मेरा सवाल ये है कि तमाम मीडियम के स्कूल के तलबा आपसे अप्रोच हो सकते हैं या कोई खाली इंग्लिश मीडियम? देखिए इसमें हमने पिछले साल तो उर्दू मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के तलबा रहे हमारे, सभी भी हैं वो। इसमें मीडियम का कुछ ये नहीं है, 11-12 में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, मैं नीट की और IIT की बात कर रहा हूँ, ये आमतौर से इंग्लिश मीडियम में होता है और ये बच्चों को हम टीचिंग इंग्लिश मीडियम में ही कराते हैं। उनके अगर डिफिकल्टी है तो हम वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी मिक्स लैंग्वेज यूज करके जो उनको समझ में आ सके ऐसी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास अभी 11th की बैच है, ये अब इंशाल्लाह 12th में जाएगी और एक साल के बाद इनके रिजल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह। सर ये माना जाए कि हमारे भारत में हम देखते हैं कि कई सामाजिक तंजीमें भी इस तरह से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं और उनका एक मकसद है कि IPS UPS में हमारे तलबा जाएँ और देश की तरक्की में कामरानी में हिस्सा ले, तो क्या माना जाए कि आपकी कोशिशों से देश आने वाले मुख्तल में देखेगा IPS के तलबा एक अपने कुर्सी पर पे बरजमान नजर आएंगे? जी इसमें तो ये है कि हमारी कोशिश अभी हमने 12th लेवल पर रखी है जी, यानी 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है जी IIT और नीट को क्रैक करने के लिए उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमारे प्लान में ये भी है कि हम आगे IAS IPS वगैरह जैसा आप कह रहे हैं इनके लिए भी हम कोचिंग सेंटर कायम करने वाले हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ पेपर वर्क है, अभी एक्चुअली इसको स्टार्ट नहीं किया हमने, पहले इसको अच्छी तरीके से हम शुरू कर दें। अभी फोकस्ड हम इस पर ही है, 12th के बाद जो बच्चे IIT नीट वगैरह के लिए जाते हैं एंड एक्चुअली वो तैयारी वो सिक्स स्टैंडर्ड से शुरू कर देते हैं वो, लेकिन फोकस स्टडी उनकी 11-12 में रहती है, तो हम अभी वही बच्चों पर फोकस कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम सोचेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स में वो भी है कि हम ये जगह जगह इस तरह के सेंटर कायम करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे अपियर हों और मुल्क और कौम की तरक्की का हिस्सा बने। सर जैसा आपने कहा है कि हम कई रियासतों में हम फैल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और जिस जिला में आप काम कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा औरंगाबाद के अंदर, देखिए औरंगाबाद के तमाम जो स्कूल्स के बच्चे बराह रास्त कोई भी जैसा आपने जिक्र किया है
क्या वो आपसे जुड़ सकते हैं जहां जहां भी आपके सेंटर चल रहे हैं बनाया सीधे तौर पर? जी जी बिल्कुल। कैसा है ये एग्जाम अगर वो अपियर हो रहे हैं, इसके बाद एग्जाम के बाद वो पास होंगे और वो हमारे स्टैंडर्ड पर आ रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और एडमिशन भी मिलेगा। तो इस जमन में जो मुख्तलिफ संस्था जो अपने अपने मतलब संस्था के अंतर्गत जो है तो स्कूल चलाते हैं तो उनके जिम्मेदार, क्योंकि उनकी काविश को बड़ा दखल होता है, वो भी अगर थोड़ा तवज्जो दे, अपने टीचर्स को कहे, स्टाफ को कहे, बच्चों से अगर मुखातिब को कहे असेंबली के अंदर, जैसे हम सुबह परेड होती है तो वो बच्चे कहने को मतवज होते हैं, उनसे खुलेपन से क्या अपील रहेंगे आपकी? हम इस मौके से आपके जरिए से हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, बच्चों को जो है इसमें एग्ज़ाम में बिठाएं, क्योंकि एग्ज़ाम फ्री है, कोई हमने कोई इसकी फीस नहीं है बच्चों की। तो और ये टाइम भी ऐसा है कि बच्चों का फुल प्रिपरेशन है अपने फाइनल एग्जाम्स के हिसाब से, तो उनके लिए इस एग्ज़ाम में बैठना और इसको क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात सब तक पहुंचे कि वो अपने बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और एग्ज़ाम दें। सर इसका सेंटर कहाँ कहाँ पर है बताइए थोड़ा। जी हमारे पास जो है 18 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये 18 स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे इस वक्त सेंटर्स हैं। 75 स्कूल्स के हमने टाई अप किया हुआ है अक्रॉस कंट्री, वहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सर एग्जाम कब होने वाले हैं ताकि बच्चों को आपसे रुझू होने वाले हैं? ये एग्जाम जो है हमने 12 फरवरी को रखा है। जी 12 फरवरी, आने वाली 12 फरवरी जो है संडे है, बच्चों के लिए ऑफ डे रहता है, बच्चे एग्जाम। सर एक बच्चों के दरमियान से सवाल उठ के आ रहा है, जैसे आपने फरवरी कहा है जी, तो मार्च में मैट्रिक के 12वीं के एग्जाम होते हैं जी, तो क्यों बच्चे भी तलब ऐसा ले सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएंगे कोई क्वेश्चन की? मैं समझता हूँ कि ये शायद उनके लिए एक प्री बोर्ड की तरह काम करेगा, ऑलरेडी उनका एग्जाम आ रहा है, उस एग्जाम के लिए एक और तैयारी के लिए उनको मौका मिल रहा है, टारगेट फोकस करने का एक मौका मिल रहा है उनको। अब सर एक तमाम इससे हटके एक सवाल, जैसा आपने मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में कहा है, हमारे पास बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में अरबी मदारिस भी है, हमने देखा है कि कई अरबी मदारिस के बच्चे आईपीएस में जितने किए वहाँ पर पाए हैं, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे कि आपके जेरे मदरसे में ऐसे बच्चे हैं तो साथ में कॉलेज या स्कूल पढ़ते हैं वो भी हमसे रुझू हो सकते हैं, मदरसों को जिम्मेदार उसका अपील करना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जो भी बच्चे हैं जो अपने अपने अंदर ये सलाहियत महसूस करते हैं और जो चाहते हैं कि वो इस तरह के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दें और एक अच्छे कॉम्पिटिशन में बैठ करके वो सिलेक्ट होकर स्कॉलरशिप पाएं और एक अच्छे इदारे में जाकर के पढ़ाई करें, सब हम खुश आमदीद कहते हैं इस मौके से। सर इस मौके पर जो सोसाइटी वाले, स्कूल वाले, तलबा अगर उनके वालदैन अगर आपसे रब्ता करना कायम करना चाहें तो आपका ऑफिस का कोई पता बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि वो आपसे बातचीत कर सके, आपसे रब्ता कायम कर सके। बिल्कुल, हमारे ऑफिस जो है वो यहीं पर है जहाँ पर आप मौजूद हैं, ये औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी में जो एम्स किड्स है यहाँ पर हमारा ऑफिस है, एनीबडी कैन वॉक इन एनी टाइम, हमारे पास कभी भी कोई भी आ सकता है, आए खुश आमदीद सबको, और हमारा नंबर भी यहाँ का ऑफिस का आप ले सकते हैं 9356931960, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठाएँ, हमारे पास अभी इस साल 145 सीट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए, लास्ट ईयर हमारे पास 100 सीट्स थी, हमने इस साल उसको इजाफा करके 145 सीट्स की हैं, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम बेहतर से बेहतर हमारी कम्युनिटी के लिए कर पाएंगे। एक सवाल ये काफी मेरे जहन में आ गया, जैसे आपने स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आमतौर से देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप लेते हैं, ये एक मेरा पर्सनल सवाल है, एक जहन में आता है कि भाई वो सब तलबा सोचेंगे आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप देती है, दोबारा स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, एक सवाल बच्चों के जहन में आते हैं, तो जरा उसकी वजह फरमा दें। हमारे पास हम बहुत क्लियर है, मेरिटोरियस बच्चे जो भी होंगे हम उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अगर कहीं और से स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि वो ईमानदारी के साथ में बात रखें ताकि वो पैसा बचेगा तो किसी और बच्चे के काम आ जाएगा, इट इज़ अ वेरी प्लेन एंड लॉजिकल थिंग। और कोई सवाल इसके ज़हन में? यस सर, ये मेरा सवाल ये है कि स्कॉलरशिप बराह रास्त बच्चों के हाथ पे दी जाएंगी या उसकी शक्ल क्या रहेगी? अच्छा सवाल है आपका सर। देखिए हमने जो स्कॉलरशिप और ये सिस्टम जो बनाया है ये बेसिकली इसलिए बनाया है कि हमने एक बेहतरीन फैसिलिटी यहाँ डेवलप की है, एक बेहतरीन एकेडमिक सिस्टम हमने डेवलप किया है, हम चाहते हैं कि बच्चे आकर के उससे फ़ायदा उठाएं। अब जो दूर दराज के बच्चे हैं या जो बच्चे मेरिटोरियस हैं हम ये चाहते हैं कि वो हमारे पास आकर के इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं,
ये फैसिलिटी हम कहीं और उनको नहीं बना के दे सकते। अगर हम उनके पास पैसा दे भी दें, वो जाकर के वो फैसिलिटी कहीं ले नहीं सकते। तो ये फैसिलिटी हमारे पास जो मौजूद है, हमारे पास हमने जो है टाई अप किया हुआ है डिफरेंट एजेंसीज के साथ में, उनके उनके 10-10, 20-20 साल के एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारे पास आकर के पढ़ाते हैं बच्चों को, और ये फैकल्टीज खुद जो है IITians हैं या NIITians हैं या डॉक्टर्स हैं, ये हमारे PhDs हैं, ये हमारे प्रमाइसिस में आकर के बराह रास्त बच्चों को 6 घंटा डेली पढ़ाते हैं। ये फैसिलिटी हम दूसरी जगह नहीं दे सकते उनको, या ये फैसिलिटी वो बच्चे दूसरी जगह नहीं पा सकते। जिस तरह का एनवायरमेंट हमने फराहम किया है उनको, 35 acres का एरिया है, बिल्कुल पुरसुकून जगह है, एक बेहतरीन जो है कल्चर के साथ में, वहाँ बच्चे नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सारी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल हैं। ये फैसिलिटीज जो है रिक्रिएट नहीं की जा सकती इतनी ईजीली। यानी कि जो बच्चे एग्जाम देने के बाद इन्हें सेलेक्ट हो जाते हैं आपके मियाँ के मुताबिक, तो आपका बच्चा जो आप बता रहे हैं, खाना पीना, उनका रहना, मेडिकल, कॉपी, किताब, तमाम सहूलतें आपके तरफ से दस्तियाब की जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जगह पहुंचे। जी जी ये बोल रहे।